हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े कर रहे होंगे, मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें गिलगित में कोई अच्छा होटल सजेस्ट करें, तो ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और आप लोग इसे चेक करें। बहुत ज़बरदस्त रिजॉर्ट है और यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं। इनका बड़ा खूबसूरत सा लॉन है और बहुत नीट एंड क्लीन रूम्स हैं, वॉशरूम्स बहुत क्लीन है और ये आपको होटल्स में खाना लाकर भी सर्व कर देते हैं रेस्टोरेंट से। और यहाँ से जो करीबी पॉइंट्स हैं वो राकापोशी भी है और नलतर वैली भी है, तो वो भी आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये मैंने रूम्स की भी कुछ पिक्चर्स अटैच कर दी हैं और ये काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी पीसफुल रिजॉर्ट है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं गिलगित को, गिलगित के मौसम को। सो मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर शुरू में भी दे दिया, एक दफ़ा और दे रही हूँ एंड में, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। और जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब भी आपने जाना हो। और काफ़ी हेल्पफुल स्टाफ भी है इनका, यहाँ पे अनार के भी दरख्त हैं, खुबानी के और चेरीज़ के दरख्त हैं, तो वो भी आप यहाँ से उसके भी मज़े ले सकते हैं, नज़ारे इंजॉय कर सकते हैं, वेदर इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आप बॉनफायर भी कर सकते हैं और गिलगित बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ पर आपका स्टे जो है वो पीसफुल होगा और आप गिलगित की खूबसूरती को इंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पर 24 आवर्स वाईफाई की सर्विस भी अवेलेबल है, गर्म पानी की सर्विस अवेलेबल है, जनरेटर की सर्विस अवेलेबल है, तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि गिलगित में कई जगह लाइट नहीं होती है और वाईफाई भी नहीं चल रहा होता है, इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो वैसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, आपको हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल होगी। और कन्वेंस के लिए भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नलतर जाने के लिए, और अगर आकापोशी जाना चाह रहे हैं तो वो आपको कन्वेंस के लिए भी हेल्प कर देते हैं।